अगली खबर इंदौर से आ रही है, जहां एमवाय अस्पताल के ब्लड बैंक में काम करने वाले एक कर्मचारी ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। उसे 6 माह से सैलरी नहीं मिली थी, इसे लेकर करीब 2 माह पहले लेबर कोर्ट में केस भी लगाया था। पुलिस ने मरकायम कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र के भील कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले गौरव पुत्र प्रताप सिंह तराड़ ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार रात में जब मां घर आई तो बेटे को फंदे पर लटके देखा। बताया जाता है कि गौरव को 6 माह से वेतन नहीं मिला था, इससे लेकर वह कुछ दिन से तनाव में चल रहा था। मामा दीपक ने आरोप लगाते हुए बताया कि गौरव कई सालों से एमवाई अस्पताल के ब्लड बैंक में नौकरी करता था, यहाँ सैंपल लेने का काम करता था। करीब 6 माह से उसका वेतन रुका हुआ था। जब उसने वेतन को लेकर बात की तो सैलरी भोपाल से आने की बात कही गई। गौरव ने परेशान होकर लेबर कोर्ट में केस लगा दिया था। इसके बाद से प्रबंधन ने उसे नौकरी पर आने से रोक दिया था। इसे लेकर वह परेशान रहता था। दीपक के मुताबिक बीमारी के चलते गौरव के पिता की काफी पहले ही मौत हो चुकी है। गौरव का बड़ा भाई भी है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वहीं छोटा भाई गैस कंपनी में नौकरी करता है। इधर ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर अशोक यादव का कहना है कि गौरव तराड़ नाम का कोई भी कर्मचारी ब्लड बैंक में काम नहीं करता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज से नियमित वेतन आ रहा है। वहीं एमवाय अस्पताल के सफाई और सुरक्षा का काम देखने वाले यूडीएस के इंचार्ज जीतू शिखर भी कहा कि इस नाम का कोई कर्मचारी उनके अधीन काम नहीं करता है। नीरज ताहर सर, अभी हमने जब गेट खोला था तो बंदा हमको फांसी पर लटका हुआ दिखा रहा। भैया है मेरे बड़े गौरव ताहर, ये ब्लड बैंक में नौकरी करते थे, ब्लड बैंक में एमवाई। परेशानी यही थी, सैलरी नहीं आ रही उनकी और थोड़ा कुछ लोन वोन ले लिया। अभी शायद 6-1 महीने से नहीं मिल रही थी और नौकरी भी छोड़ दी उनने। लोन तो ज़्यादा का नहीं, 3-1 लाख का था। मैं उनका छोटा भाई हूँ।